महाराज कोई रिश्ता विश्ता लाए हो कि बस ऐसे ही मुंह उठाए चले आए? लाए हैं यजमान, बिल्कुल लाए हैं। हमारे पास तो रिश्तों की एक लंबी लिस्ट है। तो महाराज अभी कुछ बताओगे या अभी मुहूर्त उहूर्त निकालोगे फिर बताओगे? अरे ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं तो फिर कैसी बात है? नहीं नहीं बताओ कैसी बात है। सुबह से आके बैठे हो, सुबह का नाश्ता कर लिए, दोपहर का खाना खा लिए, 1000 रुपए दक्षिणा ले लिए, प्रभु अब क्या रात का भी खाना खा के जाओगे? अरे आप इतना कह रहे हैं तो रात का खाना भी खा लूंगा। कुछ नहीं मिलेगा, समझे? अब कुछ भी नहीं मिलेगा, फटाफट रिश्ता बताओ और यहाँ से चलते बनो। अरे यजमान आप तो खामोखा नाराज हो रहे हैं। मेहमान तो भगवान समान होता है, उसका तो सेवा सत्कार करना चाहिए। महाराज मेहमान आए मिले जुले खाए पिए और चलता बने, तो मेहमान भगवान समान है। और मेहमान जब अजस्ती गले पड़ा रहे तो मेहमान शैतान समान है, समझे? अरे यजमान आप तो पैजामे के बाहर हो रहे हैं। अरे भाभी जी आप इनको कुछ समझाती क्यों नहीं? अरे सुनो। क्या सुनूं है? क्या सुनूं? मेरा मतलब है क्या कह रही हो? आज आप बर्तन साफ करने को रहने दीजिएगा, आज महाराज रात तक रुकेंगे तो बर्तन भी साफ कर देंगे। मम्मी बाथरूम में ढेर सारे कपड़े पड़े हैं, वो भी साफ करवा लेना। अरे भाभी जी अभी अभी मुझको याद आया कि कटहल के लिए रिश्ता देखने शाम को मुझे दूसरे खेत जाना है। महाराज सही समय पे याद आ गया, नहीं तो आज तो आपका अच्छा स्वागत होता। अरे अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। प्रभु अब है ही करते रहोगे या रिश्ता भी बताओगे? यजमान पड़ोस की रसोई में एक सुंदर सुशील सर्वगुण संपन्न आलू कन्या रहती है, आपके गोल मटोल लड़के के साथ इसकी जोड़ी खूब जमेगी। महाराज अपनी ही बिरादरी में रिश्ता करना होता तो आपको क्यों बुलाता? अरे 10 जानने वाले अपनी बेटी का रिश्ता लिए तो खुद ही आगे पीछे घूमते रहते हैं, कोई इंटर कास्ट रिश्ता बताओ। बड़े विचित्र आदमी हैं आप भी, लोग अपने बच्चों की शादी बिरादरी में करना पसंद करते हैं और आप इंटर कास्ट मैरिज की बात कर रहे हैं। नहीं करनी बिरादरी में शादी, कान खोल के सुन लो, नहीं करनी बिरादरी में शादी। अरे बिरादरी में शादी करने में क्या दिक्कत है यजमान? दहेज, दहेज नहीं देना चाहता कोई, बिरादरी बिरादरी करके सब मुफ्त में शादी करना चाहते हैं। 6 महीने तक निराई गुड़ाई की है अपने लाल की, सबसे महंगी वाली खाद डाली है खेतन में, तब जाके ये हट्टा कट्टा नौजवान बना है। और जितना खर्च किया है अपने लाल पे उसका दुगना दहेज में चाहिए। मतलब किसी राजा महाराजा के खानदान की बहू चाहिए आपको जो मोटा दहेज दे सके? यही समझो। तो बैगन की बिटिया के बारे में क्या ख्याल है? बैगन तो एकदम शाही खानदान से है, उसके सिर पे तो ताज भी रहता है। देखो महाराज बता रहे हैं, फालतू की बात तो करो नहीं हमसे। अरे तो इसमें फालतू की बात क्या है, इतना बढ़िया शाही खानदान में रिश्ता करवा रहे हैं और आप कह रहे हो फालतू की बात कर रहे हैं। फालतू की बात नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? बैगन क्या रिश्ता कर दें ताकि बच्चे भरता जैसे पैदा हो? शाही खानदान में रिश्ता करने के चक्कर में हम अपनी आने वाली नस्लें खराब कर दें। अरे बैगन छोड़िए यजमान, पत्ता गोभी से अपने बेटे की शादी करवा दीजिए, आलू और पत्ता गोभी की जोड़ी खूब जमेगी। मुझको पत्ता गोभी से शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? नहीं करनी तो नहीं करनी, महाराज कोई दूसरा रिश्ता बताओ। अरे दादा हमको भी कुछ बताओगे क्यों नहीं करनी शादी पत्ता गोभी से? अरे खाते पीते घर के लोग हैं, दहेज भी अच्छा देंगे, नस्लें भी आगे हरी भरी बनी रहेंगी, घंटा हरी भरी रहेंगी, सुहाग रात तो पूरा घूंघट उठाते उठाते बीत जाएगी तो नस्लें खा खाएंगी। ये बात भी सही। महाराज तुम तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को ही बर्बाद करने का तरीका खोज लिए हो, हमें कोई कायदे का रिश्ता बताओ। अरे कायदे का ही तो रिश्ता बता रहे हैं यजमान। अच्छा एक काम कीजिए, अपने बेटे की शादी प्याज की बिटिया से ही करा दीजिए। प्याज से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है, कान खोल के सुन लो, प्याज से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है। अरे अब भाभी जी को क्या हुआ, प्याज के यहाँ क्यों नहीं करनी है शादी? जब देखो भाभी पड़ जाते हैं ऐसी भाव खाने वाली नखरेबाज बहू नहीं चाहिए। एक तो प्याज जिस घर में चली जाए वहाँ तो अच्छे भले इंसान को भी रुला देती है, पर से बदबू इतनी करती है।
अरे बदबू तो आएगी ही, बेचारे नहाने जाते हैं तो कपड़े उतारते उतारते ही शाम हो जाती है, फिर बिना नहा ही वापस आ जाते हैं। अब है ही करते रहोगे महाराज या कोई कायदे का रिश्ता भी बताओगे? अरे भाभी जी आप तो समझदार हैं, अपने बेटे की शादी ब्रोकली से क्यों नहीं करवा देती? विदेशी बहू नहीं चाहिए। क्या? विदेशी बहू नहीं चाहिए, आकर खोपड़ी में बैठी रहेगी, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। पता चला महारानी जो है बैठ के नाश्ता ठूस रही है और हम पूरे घर में झाड़ू पोछा मार रहे हैं। अम्मा यार ये तो हद हो गई है, कोई रिश्ता बाप को नहीं पसंद है, कोई बेटे को नहीं पसंद है, तो कोई अम्मा को नहीं पसंद है, मेरे दिमाग का तो एकदम दही हो गया है। बेटा आप ही बताओ कैसी बीवी चाहिए आपको? भिंडी जैसी। क्या? भिंडी जैसी बीवी चाहिए। अच्छा मजाक कर लेते हो आप। मजाक नहीं कर रहे हैं, मुझे भिंडी जैसी बीवी चाहिए, समझे? भिंडी जैसी। ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है यजमान, ये तो शादी हो ही नहीं सकती। कभी सुना है कि भिंडी की आलू से शादी हुई हो? आज तक नहीं हुई तो आज होगी। देखिए यजमान, भिंडी एक सभ्य सुशील और घरेलू टाइप की सब्जी है, उसकी शादी केवल अपनी बिरादरी में होती है, इंटर कास्ट मैरिज तो होती ही नहीं, और आलू के साथ तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती आलू से शादी? क्या बुराई है आलू में? देखिए यजमान बुरा मत मानिएगा, लेकिन आलू एक सस्ती गंदी और नंबर एक की कैरेक्टर लेस सब्जी है। भिंडी बेचारी भोली भाली सीधी साधी किसी की तरफ आंख उठा के देखती भी नहीं, और आलू, आलू के तो क्या कहें, कभी बैगन के साथ चिपक गया, कभी कद्दू के साथ चिपक गया, कभी परवल के साथ चिपक गया, मतलब जिधर देखा उधर मुंह मार दिया। मतलब बेशर्मी की हद तो इतनी है कि गोभी मटर टमाटर तीनों के साथ आलू का चक्कर एक साथ चलता रहता है। मतलब यूं समझिए कि एक जमीन के नीचे रहने वाली सब्जी ख्वाब आसमानों के देखती है। मतलब इतनी घटिया और बेहुदा किस्म की सब्जी है आलू, जितनी बुराई की जाए उतनी कम है।